नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान में आपका स्वागत है। क्या आपका व्यवसाय ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, या फिर कमाई से अधिक खर्च हो जाता है, या नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, धन आकर खर्च हो जाता है, तो घबराइए बिल्कुल नहीं। समस्या है तो समाधान है। जिंदगी का दूसरा नाम परेशानी है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो पूरी तरह से सुखी हो। सभी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानी अवश्य होती है। इन परेशानियों को कुछ साधारण उपाय कर काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है। मैं आपको बताऊंगी कुछ उपाय जिन्हें आप बुधवार के दिन कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश को सभी दुखों का पालनहार माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रमुख 5 देवी देवता यानी कि सूर्य, विष्णु, शिव शक्ति और गणपति भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है, क्योंकि गणेश जी को भौतिक, दैहिक और आध्यात्मिक कामनाओं की सिद्धि के लिए सबसे पहले पूजा जाता है। इसलिए इन्हें मंगल मूर्ति भी कहा जाता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा सच्चे मन से करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह अशुभ स्थिति में है तो इस दिन पूजा करने से वो भी शांत हो जाता है। बुधवार को गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय, जिससे आपकी हर समस्या का निवारण हो जाएगा। पहला उपाय, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का भंडार है, आपने कई उपाय किए लेकिन आपको कोई फायदा नहीं मिला, तो इस बार बुधवार के दिन अपने घर में श्री गणेश जी की सफेद रंग की मूर्ति स्थापित करें। ऐसा करने से आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, साथ ही आपके घर में कभी भी ऊपरी शक्तियों का असर नहीं होगा। दूसरा उपाय, आपको इतना धन नहीं मिलता कि आप संतुष्ट रह सकें, तो बुधवार के दिन श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने के बाद गुड़ और घी का भोग लगाएं और थोड़ी देर बाद यह भोग गाय को खिला दें। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। तीसरा उपाय, अगर आपके घर में हमेशा कलह रहती है जिसके कारण आपके परिवार में कभी सुख शांति नहीं रहती, इसके लिए बुधवार को दुर्वा से बनी हुई प्रतीकात्मक मूर्ति बनवाएं और उसे अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित करें, साथ ही इनका रोज विधि विधान से पूजा करें। चौथा उपाय, अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं और कम नहीं हो रही हैं, तो आप बुधवार के दिन किसी हाथी को हरा चारा खिलाएं और गणेश मंदिर जाकर भगवान श्री गणेश से परेशानियों का निदान करने के लिए प्रार्थना करें। कोशिश करें कि चारा हाथी को ही खिलाएं। यदि हाथी ना मिल पाए तो गाय को भी खिला सकते हैं। इससे आपके जीवन की परेशानियां कुछ ही दिनों में दूर हो जाएंगी। पांचवा उपाय, बुधवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद एक कांसे की थाली लें और उस पर चंदन से ओम गणपते नमः लिखें और बूंदी के 5 लड्डू रखें। इसके बाद इस थाली को समीप किसी गणेश मंदिर में दान कराएं। इस उपाय से अचानक धन लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। छठा उपाय, बुधवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद समीप के किसी गणेश मंदिर जाएं और भगवान श्री गणेश को 21 गुड़ की ढेली के साथ दुर्वा रखकर चढ़ाएं। थोड़ी देर बाद घी व गुड़ गाय को खिला दें। ये उपाय करने से धन संबंधित समस्याओं का निदान हो जाता है। सातवां उपाय, अगर आपको धन की इच्छा है, इसके लिए आप बुधवार या चतुर्थी तिथि के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री गणेश को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा करने से शीघ्र लाभ होगा। आठवां उपाय, शास्त्रों में भगवान श्री गणेश का अभिषेक करने का विधान भी बताया गया है। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश का अभिषेक करने से विशेष लाभ होता है। यह अभिषेक शुद्ध पानी से करें, साथ में गणपति अर्थविशेष का पाठ भी करें। बाद में मावे का लड्डुओं का भोग लगाकर सभी में बांट दें। नौवां उपाय, इस दिन किसी गणेश मंदिर जाएं और दर्शन करने के बाद निप्राप्ति शक्तों को यथासंभव दान करें। दान से पुण्य की होता है और भगवान श्री गणेश भी अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह अशुभ स्थिति में है तो इस दिन पूजा करने से वो भी शांत हो जाता है। भगवान गणेश सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। प्रसन्न होने पर श्री गणेश भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। किसी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान श्री गणेश जी की ही पूजा होती है। इन उपायों को करने से भगवान श्री गणेश भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय है। बुधवार के दिन इन उपायों को करने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो जाते हैं।
और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।